अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके साथ चल रही हूँ शेयर फ्रिज की क्लीनिंग। अच्छा, ये फ्रिज का क्या सीन क्या हुआ? सीन ये हुआ कि हमारी पोस्टिंग हुई कराची से काम का। ये हुआ कि यहाँ ना किचन की एक प्रॉब्लम है, किचन में ड्रेन नहीं बना हुआ, तो पानी जाता है, ठीक है। तो ये फ्रिज साफ़ नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि ना आज मैं फ्रिज की क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो फ्रिज सबको साफ करना आता ही होगा, और फिर वन मंथ रमज़ान का गुजर चुका था। रमज़ान में ये हुआ कि रमज़ान में आप लोग सब मुझसे एग्री करते होंगे, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि हम डीप क्लीनिंग करें या क्लीनिंग करें या फिर साफ करें। और फिर आ गई ईद, और ईद के लिए चली गई मैं अपने मदर इन लॉ की तरफ। मैं फिर आई हूँ पुलाओ, और फिर मैं अपने मदर इन लॉ की तरफ 15 दिनों के लिए चली गई थी। और फिर वापस आके मैंने सोचा, मेरा फिर बहुत गंदा हुआ था, तो मैंने क्लीन करूं। सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल के रख दी हैं, ऑल टू सेट, और फ्रिज के अंदर जो लगी होती हैं सारी चीज़ें वो भी मैंने अच्छे से धो दी हैं। थोड़ी सी रह गई हैं धोने वाली। आलू का मैश मैंने बनाया है सुबह आलू के पराठों के लिए, और अगर आप लोग चाहें तो ये वाली रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। और अभी मैं बस फ्रिज क्लीन करूँगी और आप शेयर, और आप सब सुनाएं कि आप सबका क्या हाल है। तो ये देखिए फ्रिज इतना गंदा हुआ है, इतना मैसी हुआ है। मैं आप लोगों को, वैसे तो मैं इतना ज़्यादा मैसी नहीं होने देती हूँ। बास का ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं। लिक्विड बहुत अच्छा है, बहुत शानदार लिक्विड है, बहुत बैंक का लिक्विड है, ऐसे बहुत अच्छा साफ होगा। पहले मैं इसमें डालूँगी लिक्विड, और फिर मैं इसमें डालूँगी पानी, और मैं स्पंज जो होता है बर्तन जो है वो, और चुकार होती है जाली टाइप, मुझे प्रोनाउन नहीं करना आ रहा। इसके बाद मैं अच्छा सा फ्रिज को करूँगी क्लीन, ठीक है। और मैंने फ्रिज को अच्छे से क्लीन करूँगी, और आप लोगों को ये वीडियो खाली बनाने का एक मकसद है कि मैं आप लोगों को कर रही हूँ मोटिवेट। और बस इसको मैं अच्छे से लगाऊँगी सारी जगह पर, क्योंकि पक्के दाग ना बन जाए। फ्रिज तो मेरा न्यू था, बट कुछ पोस्टिंग की वजह से कुछ इसका अंदर बाहर कुछ खराबियाँ होंगी, कुछ टूट फूट भी गया बाहर से, बट अंदर से ये बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। इसको मैं अच्छा सा क्लीन करी हूँ, कि जाली है, स्पंज है, और मैं अच्छा सा लिक्विड डाल के इसको थोड़ा क्लीन करी हूँ। क्लीन करते करते साथ साथ मैं आपसे और भी बातें करूँगी। मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो लोग भी अगर चाहते हैं कि हम लोग अपना जो है यूट्यूब पे स्टार्ट करें, ठीक है, स्टार्ट करें अपनी जॉब वगैरह जो भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जो भी आप लोगों में अगर कोई टैलेंट है, आप उसको सामने लेकर आएँ। और आप बहुत अच्छा मौसम है बाहर, और मैं मौसम इंजॉय करते हुए वॉइस कवर कर रही हूँ इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो ही मैंने बनाई थी, आई थिंक मैंने फ्राइडे को बनाई थी, मैं क्लीनिंग कर रही थी तब। तो इस जाली से अच्छे से जितने दाग होंगे, जैसे कि जामे शीरी गिरा हुआ है नीचे सारा, जितने भी दाग हैं इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, ताकि इसकी एक एक चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाए। और जैसे कि जो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि अगर आप फ्रिज को अच्छे से अगर एक दफ़ा साफ़ कर लें, महीने में एक दफ़ा अगर आप फ्रिज को साफ़ कर लें, अच्छे से क्लीन कर लें, तो आपका पूरा महीना आराम से चलता है। और साथ साथ आप वीक में एक दफ़ा अच्छा सा एक कपड़ा ले लोन का, उस कपड़े को लेकर आप अच्छे से लोन के कपड़े को लेके आप अच्छे से साफ करते करते हैं, उससे बहुत अच्छा क्लीन होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट मेरा डन होने वाला है, और इंशाल्लाह ताला मैं इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और मुझे तो बस थोड़ा सा यही हो रहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोगों से अपनी बातें, आप लोगों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक थोड़ा सा बोलने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, पता नहीं क्यों, बचपन से ही मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। कि देखिए एक दफ़ा क्लीन हो चुका है, अब दोबारा एक दफ़ा फिर से मैं उसको क्लीन करूँ, दोबारा से मैंने स्नान बिल्कुल डालना, दोबारा से मैंने उसको पानी से अच्छे से साफ़ करना। और पानी से साफ़ करना एक बेहतरीन बात ये है, मैं आपको बता दूँ, कपड़ा तो हम मार लेते हैं, जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो पानी के साथ ही होती है फ्रिज की। और फ्रिज को साफ़ करने के बाद मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, फ्रिज को 2 घंटे के लिए अपने ऑन करना है, ठीक है। ऑन करने के बाद आपको छोड़ देना है, चीज़ें इसमें फिक्स करके आप उसको 2 घंटे के लिए ऑन करके छोड़ देना। और फिर आपने 2 घंटे के बाद इसके अंदर अपना सारा सामान जो अपने बाहर
ही निकाला होगा बस आराम करके घर की तरफ वापस। और क्या कहना था मैंने आप लोगों से, हाँ एक और बात कि प्लीज़ काइंडली मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि जो लोग भी अपना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग उन लोगों को डिस्करेज करने के बजाय उनको प्लीज़ मोटिवेट किया करें और उन लोगों की हौसला अफजाई किया करें उन लोगों को। और आप लोगों के एक जो है सब्सक्राइब से या जो है लाइक से किसी को अगर खुशी अगर मिलती है तो इसमें कोई बड़ी बात जो है नहीं है, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये बात है कि अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करें, मतलब कि मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे अल्लाह पाक भी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा सा क्लीन हो चुका है और मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी से मैं यही आप लोगों को मैं कहूँगी कि जितना आप पानी इसके अंदर डालेंगे ना तो उतना अच्छा सा रंग निकल के आएगा सारा पानी। और ये पानी सारा मैं लेके जाऊँगी अपने टेरेस पर, ठीक है। फाइनली ये क्लीन हो चुका है, मैंने इसके अंदर चीज़ें सारी सेट कर चुकी हूँ और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए ऑन करके मैंने रख दिया था। ये देखिए कितना अच्छा साफ हो गया और बिल्कुल न्यू फ्रिज लग रहा है, आप लोग देखें। और गाइस जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, स्पेशली मेरी सिस्टर्स मेरी वीडियो देखती हैं और जो जानने वाले मेरे ब्रदर हैं, मेरी जो है फ्रेंड्स फैमिलीज और जो है मेरी जो है यूट्यूब फैमिली भी देखती है, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बना रही हूँ यखनी, एकदम यखनी वाला पुलाव बना रही हूँ। फ्राइडे को मेरा ये होता है कि मैं यखनी वाला पुलाव बनाती हूँ या बिरयानी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ, मेरा मस्त होता है। और बस ये मैं यखनी निकल चुकी है, मैं प्याज को